कहानी के शुरुआत में हमने देखा था मून जब मिन जोंग का असल्ट करके घर जा रहा होता है तो बीच रास्ते में उसे बिटना मिल जाती है। अब आगे मून कहता है, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही है? तभी वहाँ पे हंदाओन आ जाता है और मून का कॉलर पकड़ के कहता है कि तुमको कहा था ना मिन जोंग से दूर रहने को। मून नाटक करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। ये देख के हंदाओन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो मून को एक मुक्का मारने जा रहा होता है कि बिटना अपने एक हाथ से उसे रोक देती है और कहती है, इस वजह से तुम जेल भी जा सकते हो। हंदाओन अपना हाथ छुड़ाने का कोशिश करता है बट छुड़ा नहीं पाता। तभी वहाँ पे बाकी पुलिस वाले आके मून का अरेस्ट करके ले जाते हैं मिन जोंग को मारने पीटने के जुर्म में। हंदाओन बिटना से कहता है, तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद बिटना हंदाओन के कार में जाके बैठती है। वहाँ पे क्रॉस टंगा हुआ था इसलिए बिटना अपना चश्मा पहन लेती है। हंदाओन कहता है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? बिटना कहती है, मैं बस ये चेक कर रही थी मून सुधर गया है या नहीं। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? हंदाओन कहता है, तुम्हारे सुधरे हुए मून के कुछ करतूतों को देखने। उसके बाद हम उन दोनों को मिन जोंग के घर जाते हुए देखते हैं, जहां मून ने मिन जोंग को बुरी तरीके से मारा पीटा था, जहां पूरा घर उतल भुतल हुआ था, चारों तरफ खून के छींटे पड़े हुए थे। हंदाओन ये सब बिटना को दिखाता और कहता है, देख लिया उसे छोड़ने का नतीजा? अगर तुमने मून को एक साल के लिए जेल की सजा सुना देती तो ये सब नहीं होता। बिटना कहती है, क्या एक साल में मून सुधर जाता? हंदाओन कहता है, कम से कम उसके परिवार को कानून पर भरोसा तो रहता। बिटना कहती है, देखो इस तरीके के केसेस में लोग मरते ही है। उसके बाद पब्लिक प्रोटेस्ट करती है, न्यूज में कुछ दिनों तक ये सब चलता है, फिर सब शांत पहले जैसा, सब लोग भूल जाते हैं। हंदाओन कहता है, मून तो है ही क्रिमिनल, लेकिन तुम्हारा जजमेंट भी किसी क्राइम से कम नहीं है। मैंने मून के सजा के लिए दूसरे कोर्ट में अपील किया है। सारे जजेस तो अब तुम्हारी तरह नहीं होते, कोई ना कोई तो उसे सजा दे ही देगा। उसके बाद हम मून को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां हंदाओन उससे पूछताछ कर रहा होता है। हंदाओन कहता है, तुमने ही मिन जोंग को मारा पीटा है ना? मून कहता है, मैंने ऐसा नहीं किया। हंदाओन कहता है, फिर तुम उसके घर हैमर लेके क्यों गए थे? मून कहता है, मिन जोंग ने मुझे फोन करके बुलाया था, उसे दीवार पे कुछ टांगना था। हंदाओन कहता है, और तुम्हारी वजह से उसने खुद को ही टांग दिया, उसने सुसाइड करने की कोशिश की। उसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं, हंदाओन सही टाइम पे पहुंच के मिन जोंग को बचा लेता है। मिन जोंग के माँ बाप भी वहाँ पहुंचते हैं। अपनी बेटी की ये हालत देख के वो रोने लगते हैं। मिन जोंग रोते हुए अपनी माँ से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मैं और जीना नहीं चाहती। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ मून कहता है, मिन जोंग कुछ ज्यादा ही नाटक करती है, हर कपल्स में झगड़े होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसके बाद हम देखते हैं पुलिस स्टेशन से मून को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। दूसरी तरफ हम मंदो और बिटना को बात करते हुए देखते हैं। मंदो कहता है, ये केस तो ओवर हो गया है ना? बिटना कहती है, नहीं, मैं उस मून को मार के हेल में भेज दूंगी। मंदो कहता है, लेकिन मिन जोंग को तो मून ने जान से नहीं मारा, मिन जोंग तो जिंदा है ना? बिटना कहती है, सिर्फ सांसें चलने का मतलब ही जिंदा रहना नहीं होता है। मिन जोंग की मेंटल स्टेट बुरी तरीके से बिगड़ गई है, उसके अंदर से जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी है, वो बस एक जिंदा लाश बन चुकी है। किसी के अंदर से जीने की इच्छा ही खत्म कर देना भी एक मर्डर ही है। उसके बाद बिटना कहती है, ये डिटेक्टिव हंदाओन बार बार मेरे काम में टांग अड़ाता है। मंदो कहता है, तो फिर उसे भी मार के हेल में भेज दीजिए। बिटना कहती है, भूल गए क्या बाइल ने क्या कहा था? सिर्फ मर्डरर्स को ही मार के हेल में भेज सकते हैं। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन में हंदाओन को देखते हैं, जहां एक ऑफिसर आके बताता है कि दूसरे कोर्ट ने भी मून को छोड़ दिया है, ये कहते हुए कि ये उसका फर्स्ट ऑफेंस है। उसके बाद रात को हम हंदाओन को मिन जोंग के पेरेंट्स के घर देखते हैं। मिन जोंग अब अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। हंदाओन सिक्योरिटी वगैरह कैमरास वगैरह चेक करता है, उसके डैड से कहता है कि अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। हंदाओन के जाते ही हम वहाँ मून को आते हुए देखते हैं, जो कैमरास पे टेप लगा देता है और अपना हैमर निकालता है। वो जैसे ही घर में एंटर करने वाला होता है तभी उसके फोन में कुछ मैसेजेस आते हैं, वो देख के वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हंदाओन मिन जोंग के घर आता है, वो कहता है वो पुलिस स्टेशन से आया है। ये सुन के मिन जोंग पैनिक करने लगती है, वो कहती है पिछली बार भी मून ने यही कहा था। उसके फैमिली बहुत ही डर जाते हैं। उसके डैड एक चाकू उठाते हैं और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। वो दरवाजा खोल के हमला करने वाला होता है कि वो देखते हैं ये तो हंदाओन है और वो रोने लगते हैं। हम यहाँ समझ पाते हैं कि मिन जोंग का पूरा फैमिली खौफ में जी रहा है। उसके बाद मिन जोंग हंदाओन को बताती है कि उस हादसे के बाद से वो और उसका पूरा परिवार खौफ में जी रहा है और ये सब उसकी वजह से हो रहा है, अगर वो मर जाती तो ये सब नहीं होता। तभी हंदाओन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जहां उसे पता चलता है कि मून का किसी ने मर्डर कर दिया है। तभी सीन चेंज होता है बिटना की तरफ, जो हंस रही होती है। उसके बाद सीन 12 घंटे पहले जाती है, यानी कि कल रात को। हम देखते हैं मून जब मिन जोंग के घर में एंटर करने ही वाला होता है, उसके फोन में एक अननोन नंबर से मैसेज आते हैं, जिसमें लिखा हुआ था, मैं मिन जोंग कह रही हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ।
मून बाहर आके उसी नंबर पे कॉल करता है जहाँ मिनजोंग कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मून कहता है अब तक तो बहुत देर हो चुकी है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मार डालूंगा। मिनजोंग कहती है तुम ऐसे नहीं करोगे, तुम मुझसे मिलना चाहते हो ना, तो आधी रात को होंगसादोन आ जाना, मैं अभी नहीं आ सकती क्योंकि पुलिस पेट्रोलिंग में है। ये कह के वो कॉल काट देती है। उसके बाद हम बिटना को देखते हैं जो काफी तैयार हो रही होती है। उसके बाद आधी रात हो जाती है, मून होंगसादोन पहुंचता है जो कि अभी खाली पड़ा हुआ था, वहाँ कोई भी नहीं रहता क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट का काम चल रहा था। वो एक अबैंडन घर के अंदर चला जाता है जहाँ मिनजोंग ने उससे मिलने को कहा था। उसे मिनजोंग तो कहीं नहीं दिखती, बट सीढ़ियों के ऊपर से बिटना उतर के आती है। मून कहता है आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही है? बिटना कहती है मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। मून कहता है आपने मिनजोंग को कहाँ छुपा के रखा है? तभी एक रूम के अंदर से मंदो निकल के आता है जो बिल्कुल मिनजोंग के आवाज में बात कर रहा होता है। ये देख के मून काफी चौंक जाता है। हम समझ पाते हैं वो कॉल मंदो ने ही किया था और ये सब बिटना की ही चाल थी। मंदो कहता है मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं घर जा रहा हूँ। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। बिटना मून से कहती है तो बताओ तुम मानते हो ना तुमने मिनजोंग का मर्डर किया है? मून कहते हैं वो तो जिंदा है, मैंने उसको नहीं मारा। बिटना कहती है यहाँ जज मैं हूँ, इसलिए मैं फैसला करूंगी कि वो जिंदा है या नहीं। बिटना अपनी खंजर निकालती है। ये देख के मून काफी डर जाता है। वो कहता है कि मैं पुलिस में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगा। ये कह के वहाँ से भागने लगता है। तभी अचानक से वो एक कैफे के अंदर पहुँच जाता है जहाँ बिटना आके कहती है कि वेलकम टू माय वर्ल्ड। बिटना अपने शक्तियों से मून को हिप्नोटाइज कर देती है और वो कहती है अब तक तुमने मिनजोंग के साथ जो कुछ भी किया है अब वही सारी चीजें तुम्हारे साथ होगा, हिल का यही उसूल है। उसके बाद हम मून और बिटना को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ मून कहता है मेरा पेट भर चुका है। बिटना कहती है तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो ना? मून कहता है नहीं तो। बिटना अचानक से गुस्से में आ जाती है और खाना मून के मुंह में ठूसने लगती है और मून को थप्पड़ भी मारने लगती है। मून वहाँ से जाने लगता है तभी बिटना उसके पैर पकड़ के कहती है तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। फिर वो एक चाकू अपने गर्दन में पकड़ के कहती है अगर तुम यहाँ से जाने लगे तो मैं अपने आप को मार दूंगी। मून ये सब देख के घबरा जाता है और उसे रोकता है। उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं बिटना मून का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है जहाँ मून कहता है मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ये सुनके बिटना बहुत ही गुस्से में आ जाती है और उसे बुरी तरीके से मारने पीटने लगती है। मून डर के पुलिस को कॉल करता है, पुलिस आके बिटना को अरेस्ट करके ले जाता है। बिटना जाते हुए कहती है हम दोबारा मिलेंगे हनी, तब तक मेरा इंतजार करना। उसके कुछ दिनों बाद जब मून ऑफिस से घर आता है वो देखता है बिटना उसके लिए खाना बना रही होती है। मून डर जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ अंदर घुसे कैसे? बिटना कहती है मैं बस तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ बेबी, लेकिन उससे पहले तुम्हें पनिशमेंट भी तो मिलना चाहिए ना, तुमने मुझे अरेस्ट करवा दिया था। उसके बाद बिटना ब्रूटली हैमर से मून को मारने लगती है। इन सब चीजों से परेशान होके हम देखते हैं मून सुसाइड कर लेता है। असल में ये सारी चीजें मून ने मिनजोंग के साथ किया था और वही सारी चीजें बिटना ने मून के साथ किया। उसके बाद मून की आंख खुलती है बिटना के साथ उसी अबैंडन घर में। बिटना कहती है तो कैसा लगा वही सारी पेन फील करके जो तुमने मिनजोंग को दिया था? मून हाथ जोड़ के माफी मांगने लगता है। बिटना कहती है इन सब का कोई फायदा नहीं, तुम जैसे मर्डरर्स को मार के हेल में भेजने के लिए तो मैं हेल से यहाँ आई हूँ। मून कहता है लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मिनजोंग तो जिंदा है ना? बिटना कहती है तुमने उसके अंदर से जीने की इच्छा को ही खत्म कर दिया है, इसलिए अब वो बस एक जिंदा लाश है। मून अपने आप को बचाने के लिए बिटना से लड़ने लगता है। बिटना जो कि एक पावरफुल डीमन है इजीली उसे ओवरपावर कर देती है और उसे बहुत ही मारने लगती है। आखिर में मून हार मान लेता है और वो बिटना से कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो। बिटना कहती है तो तुम्हें पछतावा है तुमने जो कुछ भी किया उसका? मून रोते हुए कहता है हाँ मुझे पछतावा है, मुझ जैसे इंसान को तो मर जाना चाहिए। बिटना कहती है सही कहा, इसलिए मरो और हेल में जाओ। उसके बाद बिटना अपने खंजर से उसे मार देती है और अपने खंजर से उसके माथे पे एक स्टैंप लगा देती है जहाँ गेनहा लिखा हुआ था, इसका मतलब ग्रीक में हेल होता है। उसके बाद हम मून के आत्मा को हेल में एंटर करते हुए देखते हैं। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पुलिस को उसी अबैंडन घर के बाहर से मून की लाश मिलती है। हंदान कहता है मुजरिम ने लाश को घर के बाहर क्यों छोड़ दिया, वो इसे कहीं दफना भी सकता था। टीम लीडर कहती है शायद उन्हें टाइम नहीं मिला या फिर वो ये सबको दिखाना चाहते थे। उसके बाद वो लोग घर के अंदर जाते हैं जहाँ हम देखते हैं घर तो बिल्कुल पहले जैसा है, वहाँ कोई भी तोड़फोड़ नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा। दूसरी तरफ हम बिटना को शॉपिंग करते हुए देखते हैं जहाँ मंदो कहता है कि मैंने कल रात को हेल से दो क्लीनर्स को बुलाया था, उनकी क्लीनिंग तो बहुत ही परफेक्ट है, उन लोगों ने घर को एकदम पहले जैसा कर दिया है, अब पुलिस वालों को आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। बिटना कहती है मैंने इन क्लीनर्स के बारे में कभी सुना क्यों नहीं,
मंदो कहता है क्योंकि वो सबसे लो लेवल डीमन के क्लास में आते हैं। उसके बाद हमें कल रात के सीन को दिखाया जाता है जहाँ वो क्लीनिंग डीमंस अपने मैजिकल इंस्ट्रूमेंट से सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये जस्टिसिया तो पूरी पागल है। एक डीमन पूछता है लेकिन उन्होंने हमें लाश को बाहर क्यों रखने को कहा है। दूसरा डीमन कहता है मैंने भी उनसे यही पूछा था, उन्होंने कहा था कि वो सबको दिखाना चाहती है कि बुरे लोगों के साथ क्या होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है प्रेजेंट में जहाँ पुलिस वाले मून के मर्डर के केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जहाँ एक ऑफिसर कहता है मून को आखिरी बार मिन जियोंग के घर के बाहर देखा गया था, उसके फोन में कुछ मैसेजेस आया था, उसके बाद तुरंत ही वहाँ से निकल गया था। ये हमने वहाँ के सिक्योरिटी कैमरास में देखा है। हमने फोन से लोकेशन चेक करने की कोशिश की लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। दूसरा ऑफिसर कहता है होंगचादोंग में डेवलपमेंट का काम चल रहा था इसलिए वहाँ कोई भी नहीं रहता था और वहाँ कोई सिक्योरिटी कैमरास वगैरह भी नहीं था। और इसके माथे पे ये गेनहा क्या लिखा हुआ है। एक ऑफिसर कहता है इसका मतलब ग्रीक में हेल होता है। एक ऑफिसर कहता है आखिर ये पागल खूनी है कौन जो लोगों को मार के माथे पे स्टैंप लगा के जाता है। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है मंदो और बिकना की तरफ। मंदो कहता है अब हमें अपना अगला शिकार ढूंढना होगा, इस कोर्ट से अच्छा है हमें पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, वहाँ ढेर सारे ऐसे सीरियल किलर्स मिल जाते हैं। बिकना कहती है तो तुम क्या कहना चाहते हो, अब मुझे पुलिस में भर्ती होना पड़ेगा। मंदो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, वो हंडाउन है ना, उसे आप थोड़ा सा प्यार से पेश आइए और उससे इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। तभी वहाँ पे एक लड़की आके बिटना से कहती है कि आपको चीफ जज बुला रहे हैं। बिटना चीफ जज के ऑफिस में जाती है जहाँ चीफ जज उसे काफी डांट रहे होते हैं। चीफ जज कहते हैं तुमने उस मून को थोड़े से फाइन के बदले छोड़ कैसे दिया, तुम्हें थोड़ी सी भी कॉमन सेंस नहीं है। बिटना कहती है जजेस में कब से कॉमन सेंस आने लग गए। चीफ जज कहता है मैं जानता हूँ उस एक्सीडेंट के बाद से तुम थोड़ी बदल गई हो बट फिर भी तुम्हें थोड़ा लिहाज तो रखना चाहिए। बिटना कहती है बिल्कुल नहीं, ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। चीफ जज अपने आप से ही कहते हैं अगर असेंबली मैन जियोंग का इसके पीछे हाथ नहीं रहता तो मैं इसको सबक सिखाता। उसके बाद हम बिटना को अपने कॉलिग्स के साथ कैंटीन में लंच करते हुए देखते हैं जहाँ उसके फोन में बार बार किसी असेंबली मैन जियोंग का कॉल आ रहा होता है बट वो उसे इग्नोर कर देती है। बिटना पूछती है ये असेंबली मैन जियोंग कौन है, उसके कॉलिग्स कहते हैं कि तुम उन्हें कैसे भूल सकती हो, लो टीवी पे वो ही दिख रहे हैं, वो देखो। हम देखते हैं असेंबली मैन असल में एक नेता है जो कि प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव लड़ रहे होते हैं। बिटना के कॉलिग्स कहते हैं तुम्हारे साथ जो एक्सीडेंट हुआ उसके कुछ दिनों पहले ही तो तुमने उनके बड़े बेटे के साथ अपना एंगेजमेंट तोड़ा था। उसके बाद सीन चेंज होता है जहां हम असेंबली मैन जियोंग और उनके दो बेटे और चीफ जज को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं। असेंबली मैन चीफ जज से पूछते हैं बिटना कैसी है, चीफ जज कहते हैं उस हादसे के बाद उसकी याददाश्त चली गई है। असेंबली मैन कहते हैं प्लीज उसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। और वो अपने बड़े बेटे से कहते हैं वो तो तुम्हारी एक्स फियांसे है ना, तुम्हें भी तो कॉल करके पूछना चाहिए उसका हालचाल। वैसे होंगचादोंग का डेवलपमेंट का काम कैसा चल रहा है, उनका बड़ा बेटा कहता है कि अभी भी वहाँ के कुछ रेसिडेंट्स वहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। असेंबलीमैन जियोंग कहते हैं जल्दी से ये सब निपटाओ। उसके बाद हम बिटना और मंदो को घर जाते हुए देखते हैं जहाँ उसका बिल्डिंग का ओनर आके कहती है कि आज के मीटिंग के लिए तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। बिटना कहती है मुझे कोई शौक नहीं है, ओनर कहती है वहाँ फ्री का खाना भी होगा। ये सुनके बिटना उनके साथ उनके रूम में चली जाती है, वहाँ क्रॉस टंगा हुआ था इसलिए वो अपना चश्मा पहन लेती है। बिटना खाना एंजॉय कर रही होती है कि तभी ओनर एक डॉक्यूमेंट्स पे सभी को साइन करने के लिए कहती है। ओनर कहती है असल में ये एक पिटीशन है रीडेवलपमेंट के अगेंस्ट। वह जो सबसे एल्डरली लेडी होती है वो साइन करके चली जाती है, बाकी किरायेदार भी साइन कर देते हैं। बिटना कहती है मैं साइन नहीं करूंगी, क्या पता इससे बाद में मुझे कोई दिक्कत हो। ओनर कहती है मैं रेंट हाफ कर दूंगी और मेंटेनेंस फीस भी नहीं लूंगी। ये सुनके बिटना जल्दी से साइन कर देती है और वहाँ से चली जाती है। असल में असेंबलीमैन का जो बड़ा बेटा था वो इसी रेसिडेंस के बारे में बात कर रहा था कि इन्हीं लोगों की वजह से उसका जो रीडेवलपमेंट का काम है वो रुका हुआ है। उसके बाद रात को हम हंडाउन को अपने घर लौटते हुए देखते हैं, तभी अचानक से उसके कार के सामने बिटना आ जाती है। हान घबरा के जल्दी से ब्रेक मारता है। हंडाउन कार से उतर के कहता है आखिर तुम ये कर क्या रही थी, तुम्हें चोट भी पहुंच सकती थी। बिटना कहती है चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ हुआ तो नहीं ना। हंडाउन कहता है तुम्हें मेरा एड्रेस मिला कहाँ से। बिटना कहती है मैं पुलिस स्टेशन में गई थी, मैंने उनको कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम मेरा कॉल नहीं उठा रही हो इसलिए उन्होंने तुम्हारा एड्रेस दे दिया मुझे। तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। हंडाउन कहते हैं तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। बिटना कहती है ठीक है फिर, मैं कुछ बियर्स और मीट लेके आई थी, ये सब मैं पुलिस स्टेशन में जाके उन डिटेक्टिव के साथ शेयर करूंगी और उनको हमारे प्यार की कहानियां सुनाऊंगी। हंडाउन कहते हैं तुम्हें इतनी झूठ बोलने में शर्म नहीं आती, चलो फिर ठीक है।
हनदान मान जाता है। उसके बाद हम उन दोनों को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ बिटना कहती है, तुम मून के केस में बहुत ही ज्यादा मेहनत किए थे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ ट्रीट देना चाहती थी। बिटना कहती है, पुलिस वालों का काम कितना मुश्किल होता है ना? हनदान कहता है हाँ। बिटना कहती है, ऊपर से कितने सारे अनसॉल्व मर्डर केस रह जाते हैं, सीरियल किलर्स वगैरह, है ना? हनदान कहते हैं, हाँ ऐसे तो ढेर सारे केसेस हैं। बिटना कहती है, तो तुम मुझे बता सकते हो उनके बारे में? हनदान कहता है, ये सब डिपार्टमेंट की अंदर की बात है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बिटना कहती है, कोई बात नहीं, चलो ड्रिंक करते हैं। उसके बाद बिटना हनदान को ढेर सारी ड्रिंक पिला देती है, जिससे हनदान को नशा चढ़ जाता है। बिटना कहती है, तो अब मुझे बताओ उन सीरियल मर्डर्स केसेस के बारे में। हनदान कहता है, हाँ है ना, जिसमें एक खूनी ने 3 लोगों का मर्डर कर दिया था। बिटना कहती है, तो आखिर वो कौन था? हनदान कहता है, वो खूनी मैं ही हूँ। बिटना कहती है, तुम डिटेक्टिव हो, तुम कैसे खूनी हो सकते हो? हनदान कहता है, हाँ सच में किसी को नहीं पता इस बारे में। बिटना कहती है, तो क्या तुम्हें इस बात का पछतावा है? हनदान कहता है, वो सब तो मर चुके हैं ना, तो अब पछताने का क्या फायदा? बिटना कहती है, उनके परिवार वालों ने क्या कहा तुमसे? हनदान कहता है, उन्होंने कहा कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे और उन्हें यकीन है कि मैं मरने के बाद हेल में ही जाऊंगा। ये सुनकर बिटना हंसने लगती है, क्योंकि उसे अपना अगला शिकार मिल चुका है। बिटना कहती है, तो क्या मैं उनके फैमिली मेंबर से बात कर सकती हूँ? हनदान कहते हैं, हाँ तुम्हारे सामने ही तो है। उसके बाद हनदान रोते हुए सो जाता है। उसके बाद उसकी नींद सुबह 4 बजे खुलती है, जहाँ बिटना उससे आके पूछती है, कल रात तुमने जो कुछ भी कहा था क्या वो सच है? हनदान कल रात की बातें याद करने लगता है और वो चुप हो जाता है। बिटना कहती है, तो इसका मतलब वो सच है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा ये सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा, क्योंकि तुम पहला इंसान हो जिसने मेरा मेडिकल रिकॉर्ड देखने के बाद भी मुझे जज नहीं किया, और ऊपर से तुम काफी क्यूट भी हो, तो अब हेल में जाओ। ये कह के वो अपने खंजर से हनदान को स्टैब कर देती है। हनदान खून की उल्टी करके जमीन पे गिर पड़ता है और हम बिटना को जोर जोर से हंसते हुए देखते हैं, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी कंफ्यूज लगा हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, और मुझे थोड़ी सी सर्दी भी लग चुकी है, इसलिए शायद आपको मेरी वॉइस थोड़ा इधर उधर लगे, बट प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।